नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। अभी मैं अररिया के सिटी हॉस्पिटल में हूं, जो 0 माइल रोड में स्थित है। इन दिनों सिटी हॉस्पिटल अररिया में काफ़ी चर्चे में है, तो हमने सोचा कि अररिया सिटी हॉस्पिटल में जाकर यहां का सर्वे करें, यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप का इलाज किया जाता है, किन किन पेशेंटों को देखा जाता है और किस टाइप के डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सिटी हॉस्पिटल में आप काफ़ी दिनों से यहाँ कार्यरत हैं, किस किस चीज़ों का इलाज यहाँ पे किया जाता है? अगर हड्डी की बात करें तो आप स्पेशली हड्डी के डॉक्टर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सरफराज, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम AMU एंड फ्रॉम BLK मैक्स न्यू दिल्ली। तो मेरा यही कहना है कि हड्डी का कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ट्रॉमा हो या नस का मामला हो या हड्डी गलने का मामला हो या हड्डी की TB का मामला हो या हड्डी के बाहर जो भी बॉडी में कहीं ट्यूमर का मामला हो, नस का ट्यूमर हो या फिर चर्बी का ट्यूमर हो या बॉडी के लिम्ब में कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी ट्रॉमा हो, छोटा ट्रॉमा, बड़ा ट्रॉमा, सीवियर ट्रॉमा, यहाँ पे सारा एड्रेस होता है। और ख़ास तौर से इस एरिया में जो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो है कि गेठिया, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि गेठिया, तो गेठिया कई तरह का होता है, तो उन सब का गेठिया का यहाँ पे इलाज भी होता है। और मेनली हमारा जो कंसंट्रेशन है वो है एडवांस लेवल ऑर्थोपेडिक्स को इस एरिया में जो है बढ़ावा देना। एडवांस लेवल का मतलब होता है कि स्पाइन की सर्जरी, एडवांस लेवल का मतलब होता है कि आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस लेवल का मतलब होता है कि कूल्हे बदलना, घुटने बदलना, ये ट्रॉमा को छोड़ करके। ट्रॉमा के लिए तो यहाँ पे हम हर वक्त जो है ट्रॉमा फैसिलिटी है, हम इमरजेंसी में भी ट्रॉमा ऑपरेट करते हैं। और हमने जो यहाँ पे OT बनाई है स्पेशली, वो ऑर्थोपेडिक्स के लिए बनाई है और मॉडर्न इक्विपमेंट्स को लगा के बनाई है। तो उस ऑर्थोपेडिक OT में सिर्फ ऑर्थोपेडिक के ही प्रोसीजर होते हैं, कोई भी और प्रोसीजर नहीं होता। जो अदर प्रोसीजर होता है जनरल सर्जरी के लिए, वो जो है कि आपको जनरल सर्जरी दूसरी OT में होती है, हमारी OT में प्योरली जो है ऑर्थोपेडिक का ही ऑपरेशन होता है। अब उसमें मॉडर्न क्या फैसिलिटी है कि हम उसमें एक एक्सरे मशीन है जो ज़्यादा कॉस्टली है, उसकी कीमत है 11.5 लाख के करीब, जो यहाँ पे आपको लगाई गई है आज से 6-7 महीना पहले ही। उसके लगने से जो ऑपरेशन है वो बेहतर तरीके से और आसानी तरीके से हो पाता है। बाकी ऑर्थोपेडिक जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे होता है, जैसे कि आप नेलिंग, प्लेटिंग, अगर जो कॉमन टर्म में समझ सकते हैं, जैसे कि हाथ का टूट जाना, दोनों हड्डी का टूट जाना, घुटने का टूट जाना, पैर की हड्डी का टूट जाना, थाई की हड्डी का टूट जाना, इवन रीढ़ की हड्डी का टूट जाना, कॉलर बोन का टूट जाना, ये कंधे का टूट जाना, ये आर्म का टूट जाना, फिंगर का टूट जाना, ठीक है, घुटने में ऊपर या नीचे की हड्डी का टूट जाना, कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे किफ़ायती है। और यहाँ पे ये है कि एक प्रॉपर जो मेडिकल एथिक्स है उसके हिसाब से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि अगर कोई गरीब मरीज़ है जिनके पास पैसा नहीं है, अर्जेंट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप आके करा लो, अपना ड्यूज़ में रख लो, वो बाद में अपना करा लेते हैं, बाद में दे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 50 बेड की कैपेसिटी है। इवन कोई मास ट्रॉमा हो जाए कि 10-12 लोग गाड़ी से गिर गए, तब भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। 24 आवर्स हमारे पास नर्सिंग फैसिलिटी है, 24 आवर्स हम खुद अवेलेबल होते हैं, मंडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे को नहीं रहते हैं, मंडे टू सैटरडे। कोई भी ट्रॉमा आसपास का कहीं का भी आता है, हम फौरन अपने रेजिडेंसी से एवरी टाइम किसी वक्त भी रात में आ जाते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। हमारे पास स्टाफ है, फ़ौरन एक्सरे फैसिलिटीज़ है, लैब टेस्ट है, ऑक्सीजन सेंट्रलाइज्ड है और मॉनिटरिंग है, सारा चीज़ है। कम से कम 10 से 12 स्टाफ हर वक्त यहाँ रहते हैं। इन स्टाफ सबका ऊपर भी रहने का फैसिलिटी है, जो कि कोई इमरजेंसी हो फ़ौरन नीचे आके एड्रेस कर लेते हैं। तो हम ऑर्थोपेडिक्स के हिसाब से बिल्कुल कमिटेड हैं और हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, हमारी MBBS भी अलीगढ़ से हुई है, 1 PG अलीगढ़ से हुई है, 1 PG जो है दिल्ली से हुई है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम जो लोगों को ऑर्थोपेडिक फैसिलिटी हो वो दे सके। और एक कंसर्न ये भी है कि कोई लोग जो हर ऑस्टियोपैथ के पास जाके इलाज करते हैं, अगर उनका कुछ कमी रह जाता है वो आते हैं, तब भी हम उसको वेलकम करते हैं और जो डिफॉर्मिटी रहती है उसको भी करते हैं। और पैदाइशी कोई बच्चे जिसका पैर टेढ़ा हो जाए, टेढ़ा पैदा हो, उसको भी हम सीधा करते हैं और उसको उसका भी यहाँ कम्प्लीटली इलाज होता है। हाँ, जिस चीज़ का प्लास्टर में होना है
अगर गरीब है और अगर प्लास्टर में हो सकता है तो उसको हम कर देते हैं, और जो बहुत पुअर है उनको दवाइयाँ कुछ मेडिकल MR से भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स का कोई भी ब्रांच यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है, बस ये है कि जो एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं हम तो वो 5-6 महीने में वो भी हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक जितने भी प्रोसीजर हैं वो सब हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, नईम नाम करके गैयारी का एक पेशेंट था, मुझे लगता है कि 1 महीने पहले की बात है, उसके साथ क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था उसके साथ, और कैसे वो फिर चलना उन्होंने शुरू किया इसके बारे में? जी, मैं तो पहले थैंक्स टू अलमाइटी कि भाई उनको शिफा अता हुआ, दूसरी बात ये है कि और लोगों का भी जिन्होंने उनको मदद किया उसका भी शुक्रगुजार रहूँगा मैं। वो एक्चुअली लेबरर थे बाय ऑक्यूपेशन, वो कहीं जा रहे थे तो ऑटो से एक्सीडेंट हुआ था, वो गिर गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी जिसके वजह से उनका जो है पैर में फालिज मार दिया था, जिसको आप लोकल टर्म में कहते हैं लकवा मार देना, पैर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, दोनों ही पैर नहीं चल रहे थे, कुछ भी नहीं चल रहा था। वो पिछले 15 दिनों से बेड पे जो है लेटे थे, ठीक है, तो चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है, पैर भी उनका नहीं चलता था। और उसके बाद फिर उनके यहाँ लोग फिर मेरे पास आए कि ऐसा ऐसा मरीज़ है, क्या किया जाए, हम कहे हाँ बिल्कुल हम कमिटमेंट हैं और जो है कि हाँ इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिर लोगों ने चंदा करके उनका जो है कुछ पैसे इकट्ठा किए, उसमें ये है कि अगर हम अपनी फ़ीस कम भी कर दें या नहीं भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें जो इम्प्लांट लगता है, जो रॉड लगता है, जो स्क्रू लगता है, वो महंगी आती है और दवाइयों का जो कॉस्ट होता है GST की वजह से भी वो महंगा पड़ता है आजकल, ठीक है। तो फिर भी हम गुंजाइश करते हैं, तो उन्होंने जो है लोगों से जंदा उंदा करके जो है पैसे इकट्ठा किया, फिर हमने उसको जो है स्पेशल टेक्नीशियन मंगा के और उसके बाद इम्प्लांट मंगा के उनको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के जो है 10-12 दिन के बाद धीरे धीरे उनके पैरों में जान आने लगी। फिर उनको फिजियोथेरेपी उनके घर पर करवाया और फिजियोथेरेपी को भिजवाया, वहाँ पर उन्होंने भी कम पैसे में मदद की। और अब वो है कि वो पेशेंट नूरुद्दीन जो कि बिल्कुल बेड रिडन था, अब वो माशाल्लाह जो है कि वो चल रहा है वाकर के सहारे, उनके पैर में पूरी जान आ गई है, उनका बॉडी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, मसल बहुत एट्रोफी हो गया था, अब उन सब में ताकत आ गई है, अब वो खुश है, हमको भी दुआएं दे रहा और हमको भी अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि चलिए हम जो है कि उस लेवल में मिनिमल जो है इसमें रिसोर्सेज में हम इतना बड़ा काम कर पाए। अब ये चीज़ करने के लिए आदमी को बाहर दिल्ली जाना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है, और या फिर जो है कि वहाँ खर्चा भी बहुत होता है, तो चलिए कि हम ये सब सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अररिया जैसे शहर में इस तरह का हॉस्पिटल होना अपने आप में एक बड़ी बात है, है ना। जिन्होंने भी इसका जो है इनिशिएटिव लिया था उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने MBBS करा था पहले, फिर जो है हमने DMRT करा था, फिर MD, तो जो जनरल पेशेंट होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हुए, हाइपरटेंशन हुए, फीवर के पेशेंट हुए, या जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, ये सब, और जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ खासकर जो COPD और एस्थमा है, ये सब पेशेंट काफ़ी आते हैं हमारे यहाँ और ठीक होके जाते हैं। इसके अलावा हम जो है इमरजेंसी देखते हैं, इमरजेंसी में हर तरह के पेशेंट, जैसे कि एक्यूट MI हुआ, हार्ट अटैक से रिलेटेड हुआ, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो, उसका जो प्राइमरी मैनेजमेंट है हम लोग करते हैं यहाँ पे। फिर फर्दर जो है उनको कहीं भेजना हो तो उसके हिसाब से देख लेते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है। और बाकी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि नहीं भी आना चाहिए जिनको कि, लेकिन चूंकि इमरजेंसी हमारा काफ़ी बड़ा है, पॉइजनिंग से लेके सारे पेशेंट आते हैं, तो उनको भी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए तो डॉक्टर सरफराज हैं, है ना, एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर है हमारे यहाँ। और इसके अलावा बच्चों के डॉक्टर इफ्तिखार भी यहाँ पे टाइम देते हैं, है ना। आपके शहर अररिया में खुल गया है तस्नीम फैमिली शॉप, जहाँ मिलेगा आपको उचित मूल्य पर शादी विवाह के कपड़े एवं बच्चों के लिए सब कुछ, शेरवानी के साथ पगड़ी भी, कोट पैंट, ब्लेजर, लाछा, ड्रेस मटेरियल, 3-पीस सूट, प्लाजो, क्रेप टॉप, गाउन्स, बुरखा, लेडीज दुपट्टा सहित हर तरह के कपड़े उपलब्ध हैं। यहां आइए, वाईफाई के साथ AC की सुविधा में आराम से कपड़े खरीदिए, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। हमारा पता है तस्नीम फैमिली शॉप, बर्मासेल पेट्रोल पंप के बगल में, 0 माइल रोड, अररिया।